लोग सच्चाई ट्रुथ लवर्स होते हैं ना, उनको सच्चाई पसंद आती है। और आप ट्रुथ लवर बनना सीखें, यकीन करें आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना आप कुड़ कुड़ के मर जाएंगे। मैंने इसीलिए शुरू ही में मेरी वीडियोस रिकॉर्ड होने से पहले मैंने फिरकावारी से तौबा कर ली थी, क्योंकि मैं कुड़ना नहीं चाहता था। मुझे यार लगा, मैंने कहा यार इसमें से मैं तो ब्रिल भी ठीक कह रहे हैं, तो यह लदीस ये क्यों कर रहे हैं? लदीस और देवबंद जो है वो कामत शुरू होते ही खड़े हो जाते हैं, तो कद कामत सलाह पे खड़ा होना चाहिए। जामे तिर्मिजी 592 नंबर हदीस, ये शिया और बरेलवी इस मसले में ठीक है। फिर किसी मसले में अहले हदीस ठीक होते थे तो मैं कहता था यार ये बरेलवी क्या कर रहे हैं, और किसी मसले में शिया ठीक होते तो मैं कहता था सुन्नी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार या तो मैं कूट कूट के मर जाऊं, तो या मैं ऐलान कर दूं कि ना मैं वापी ना मैं बापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जाओ दफा हो, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। तीन तलाके दे के और चार तकबीरें पढ़ के और पांच तकबीरें में सही मुस्लिम में साबित है, पांच पढ़ के आपको दफना दिए, एक मजलिस में तीन तलाके दिए, फिर कवारियत, वरना कूट कूट के मर जाएंगे आप। ट्रूथ लवर हो जाए आप, देखें हम बेफिक्र हैं। हमें कोई आग कहता है ना वो देखे नहीं, वो फलान है, फलां चीज कर दिया है, इससे फलां फिरके को नुकसान हो रहा है। मैं कहता हूं जी होता रहे, इन फिरकों ने इस्लाम के साथ थोड़ा किया नुकसान, तो हमें तो कोई मसला नहीं है। हम कह के ट्रूथ का नुकसान नहीं होना चाहिए, जहां की सच्चाई की बात होगी हम सामने आके डिफेंड करें। जुनेद जमशेद से तारा जमी साहब ने भी हाथ उठा लिया था कि इनका जाती बयान है, मैंने आके फ्रंट से लीड किया। क्यों? ट्रूथ लवर, ट्रूथ लवर बने, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, रूहानियत आ जाएगी, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। और दूसरी चीज जो मौलाना साहब साहब अक्सर फरमाया करते थे, मैं एग्री करता हूं कि यार किसी बंदे को भी मासूम ना समझे, हर बंदे से गलती होती है, तो जब गलती हो सकती है तो उससे उसका मर्तबा खत्म नहीं होगा, क्योंकि तो उसकी सृष्टि के अंदर है गलती करना। जब सृष्टि में गलती मौजूद है तो इससे मर्तबा नहीं खत्म होगा। अगर किसी मसले में किसी बड़े से आदमी से भी गलती होगी, उसका मर्तबा नहीं खत्म होगा, हमें फौरन मर्तबे की फिक्र पड़ जाती है, इसकी वजह से हम गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये फिर हो जाता है बुत परस्ती, और इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ है, शख्सियत परस्ती के खिलाफ है।